नवीद भाई आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार। नवीद भाई आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे यार? मतलब क्या कहानी है ये? आपको डर नहीं लगता? देख रहा है वो बोलता नहीं। क्या हाल है ब्रो? मैंने जब अपनी कल की लंदन की ट्रिप की आखिरी वीडियो लगाई तो एक तो मुझे आप लोगों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि भाई दिल पिघल गया है, और दूसरा मुझसे ये लोगों ने बहुत पूछा कि नवीद भाई यार इतने मजे का काम कर रहे हैं आप, लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? ये क्या कहानी है? आपको टेंशन नहीं है इस बात की? इस वक्त मेरे यूट्यूब पे अराउंड 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पे अराउंड 4000 लाइक्स हैं, और इंस्टाग्राम पे अराउंड 3000 फॉलोअर्स हैं, और ट्विटर पे मेरे 25 फॉलोअर्स हैं। तो मुझे पता है इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स तो ये कुछ भी नहीं है, और जिस हिसाब से मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ उस हिसाब से मेरी ग्रोथ भी नहीं हो रही। कहना चाहती हूँ जो वो मैं बोलती और असूलन मुझे इस बात की टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि एक तो भाई जॉब शॉप नहीं कर रहा मैं कोई, सेविंग्स पे अपनी मैं जिंदा हूँ, और टाइम जो है आपका वो पानी की तरह बह रहा है। तो फिर मुझे इस बात की टेंशन क्यों नहीं होती? सबसे पहले तो कहानी ये है कि क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने का इतना ज्यादा शौक है, इस चक्कर में भूल जाता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स का नंबर क्या है। और दूसरी बात ये है कि देखो भाई, हम हैं इंसान और इंसान होता है प्यार का भूखा, तो जितना मैंने अभी तक 19-20 काम किया है उस हिसाब से मुझे जितनी अप्रिसिएशन आप लोगों से मिली है, जितना मुझे प्यार आप लोगों ने दिखाया है, भाई का दिल तो गार्डन हो के हवा में उड़ना शुरू हो चुका है पिछले 2 महीने पहले। तो इस एक्सट्रीम प्यार के बीच में भूल जाता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स का और सब्सक्राइबर्स का नंबर गया है। और तीसरी बात यह कि मेरे पास इतनी कहानियां हैं जो मैं बताने के लिए मर रहा हूँ, इतने आइडियाज हैं जिनको मैं जिंदा करने के लिए बेताब हूँ, तो मेरा आधा टाइम तो उनके बारे में सोचने में ही निकल जाता है, और इस सोच में मैं भूल जाता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स का नंबर गया है। लेकिन कभी कभी जब मैं रात में अपने घर आता हूँ तो अपने कमरे में बैठ के ऐसा एक रिफ्लेक्टिव मोमेंट जरूर आता है जिसमें थोड़ी सी रियलिटी हिट करती है। देख नवीदे, तू जो भी बात कर ले, इन द एंड कहानी तो यही है ना कि तेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है, और तू बहुत तेजी से ग्रो भी नहीं कर रहा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसे मौकों पे इंसान कर भी क्या सकता है। 4-5 चीजें समझते ही नहीं। नंबर 1, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। नंबर 2, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मुझे स्टोरी टेलिंग और स्टोरीज बताने के अलग अलग तरीके सीखने का बहुत शौक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रोज कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग ट्यूटोरियल लेसन या कोर्स लूँ। नंबर 3, अपने आप में कॉन्स्टेंटली री इन्वेस्ट करना। अब इस गुरिल्ला पॉड को आप चेक कर लें, इनकी हालत अब फुल पतली हो गई है, 6 साल हो गए इनको और इनको अब कटाने का टाइम आ गया है। मुझे बस मसला ये कि वो बड़ा बहुत है, वरना मैं वो ले लेता। चलो ये कर दे। नंबर 4, कोशिश, क्योंकि इंसान का कर्तव्य होता है कोशिश करना, कामयाबी नाकामी तो उसके हाथ में। एंड नंबर 5, बिलीफ। मेरे जितने भी कम सब्सक्राइबर्स हों या जो भी कहानी हो, मेरा पक्का पक्का बिलीफ है कि भाई आपके भाई का दिन एक दिन आएगा जब आपके भाई की जिंदगी एक मेहरान से लैम्बोर्गिनी में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स अभी नहीं बढ़ रहे, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। तख लिया लंबरगिनी चलाई जांदे।